अगर आपने डीएसएसबी का एग्जाम दिया है या आप डीएसएसबी के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो आज की इस वीडियो में हम काफी इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और बता देना चाहता हूं कि डीएसएसबी की तरफ से एक नोटिस आया है, कल वो नोटिस आया है। हालांकि वो नोटिस 4/1/2019 का था, मतलब 4 जनवरी 2019 का, जो कि वो नोटिस 11/1/2019 को आया, 11 जनवरी 2019 को। इसके बाद काफी साथियों के मेरे पास मैसेज कॉल भी आए थे कि हमारे पास मैसेज आ रहा है कि ई डोजियर सबमिट करें, अपलोड करें, लेकिन मैंने उनको यही बोला कि ये गलती से मैसेज आ गया होगा, अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट ही नहीं आया तो ई डोजियर कैसे सबमिट होगा। लेकिन साथियों, ये सीधे तौर पर डीएसएसबी की गलती है। डीएसएसबी 4/1/2019 का नोटिस 11 तारीख को डाल रहा है, मतलब 4 तारीख का जो नोटिस है वो 11 तारीख को डाल रहा है। और आपको एक बात और बता देता हूं कि डीएसएसबी का जो ये नोटिस है, इसमें लिखा हुआ है कि 9/1/2019 से ई डोजियर सबमिट होने हैं। तो साथियों, ये बिल्कुल डीएसएसबी की गलती है और जो साथी मैसेज कर रहे थे वो बिल्कुल सही थे। तो आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि आप अपनी जो लॉगिन आईडी है, वो लॉगिन आईडी से मतलब लॉगिन करके अपना जो भी डिटेल है वो चेक करते रहें, हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए आपका बीच में। क्योंकि जिस हिसाब से डीएसएसबी का ढुलमुल रवैया है, उस हिसाब से डीएसएसबी कर सकता है ये चीजें आप लोगों के साथ भी। हो सकता है कि आपको नोटिस बाद में पता चले और रिजल्ट आ जाए, और ऐसा कुछ साथियों के साथ हुआ भी है। तो आप अपना जो भी रिजल्ट है वो चेक करते रहे बीच बीच में। इसके बाद जो नोटिस है, मैं इसमें आपको कट ऑफ एक बार और बता देता हूं ये क्या नोटिस है, और आपके सामने बिल्कुल प्रूफ है, आप साइट पे भी देख सकते हैं जाके। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी 4/1/2019 का ये नोटिस है, अभी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन साथियों, ये नोटिस जो साइट पे अपलोड हुआ है कल हुआ है, और 19/8/2018 को ये एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, EVGC फीमेल, पोस्ट कोड है जिसका 149/17, और ये DOE में एग्जाम था इसका, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो ये एग्जाम 19/8/2018 को हुआ था, 4/1/2019 को इसके रिजल्ट आ चुका था, लेकिन DSSB ने 11 तारीख को ये अपडेट किया है। तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद जो इसमें कट ऑफ है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। इसकी जो कट ऑफ है, जनरल 120, OBC 105.25, 105.25, SC की 91.25, मतलब 91.25, ST की साथियों, ST और PH में जो OH है और VH है, नो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अवेलेबल, मतलब इनमें कोई मतलब साथी क्वालिफाई नहीं कर पाया, ST, PH, OH और VH वाले में कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसके बाद जो EDOGR सबमिट करने का टाइम दे रखा था, 9/1/2019 से 18/1/2019, आप समझ सकते हैं 11 तारीख को इनका नोटिस आ रहा है। हालांकि EDOGR सबमिट करने के लिए कई दिन का टाइम दिया जाता है, मतलब कई दिन बाद नोटिस आता है। सही बात है, बिल्कुल 4/1/2019 को नोटिस आया है, इन्होंने 11 तारीख को डाला है। अब ये कि 9 से EDOGR सबमिट हो गए, मतलब EDOGR सबमिट होने स्टार्ट हो गए 9/1 से। तो साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप साइट पे विजिट करते रहें, अपना जो भी रिजल्ट है चेक करते रहें, हो सकता है कि DSSB ऐसी चीजें आपके साथ भी कर सकता है। और बहुत गंदा लगा ये देख के कि DSSB जैसा बोर्ड, इतना बड़ा बोर्ड, सेंटर में ऐसा बोर्ड है, वो ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो बहुत गलत है। इससे साथियों, उन कैंडिडेट्स का नुकसान है जो एग्जाम देते हैं, तो ये बहुत गलत चीज है, और देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन जो साथी सिलेक्ट हुए हैं, सभी को शुभकामनाएं, और PGT और TGT वाले जो साथी हैं, प्लीज अपना
लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करके अपना रिकॉर्ड चेक करते रहें, हो सकता है कि रिजल्ट आपका भी आता रहे ऐसे और पता भी ना चले। तो साथियों ये सब कहते हुए मैं विदा चाहता हूँ, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।